Please subscribe the channel and hit the like button. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम खेल रहे हैं पोकेमोन गो और मैं बैटल करने वाला हूँ क्लिफ्स और टायरानिडर की जगह मैं मेराग्रॉस रख लेता हूँ। चलो देखते हैं कौन कौन से पोकेमोन यूज़ करता है ये ग्राइमर। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? तो ये है भाई शेडो पोकेमोन्स जो टीम रॉकेट वालों के पास हैं, जिनके पास कुछ अजीब से अटैक्स हैं और कुछ डार्क टाइप की पावर्स हैं। और ये इसका चार्ज अटैक आ रहा है तो हो को सेव कर लेता हूँ मैं। जल्दी चार्ज कर लिया यार, हो सही रहेगा यार इसके लिए क्योंकि साइकिक टाइप मूव है इसके पास एक्स्ट्रा सेंसरी जो भयंकर डैमेज देता है। बस चार्ज मूव में अपना फायर ब्लास्ट, पता ही था पहले दो अटैक से ब्लॉक करेगा ही। और ये गया ग्राइमर। अब देखते हैं अगला पोकेमॉन कौन है क्लिफ का। माचैम, ये भी एक्स्ट्रा सेंस भी सुपर इफेक्टिव है, इस पर भी और फायर ब्लास्ट यूज़ कर देते हैं। कम से कम दूसरी शील्ड तो हटेगी इसकी। ये इसने दूसरी शील्ड यूज़ कर ली तो इसके पास हो चुकी है शील्ड्स ख़त्म। और किसी भी समय ये चार्ज अटैक यूज़ करेगा। बहुत सही टाइम पे इसने अपना चार्ज अटैक यूज़ किया है क्योंकि यार वो तो वैसे ही निपटने वाला था। कोई दिक्कत नहीं, हो थैंक्स एक चार्ज मूव लेके गए तुम इसका। अब बाकी का कायोग्रे संभाल लेगा। आप लोग सोच रहे होगे मैंने कायोग्रे क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। यार मुझे नहीं पता था ये कौन से पोकेमॉन्स लेके आने वाला है, तो कायोग्रे ऊपर दिखा तो मैंने सोचा कि यार चलो यूज़ कर ही लेते हैं इसे। हाँ हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये फाइटिंग टाइप वगैरह पोकेमॉन लेके आएगा, इसलिए मैंने टायरानिडर को हटा दिया। तीसरा पोकेमॉन देखते हैं कौन है इसका। और हमारे पास हाइड्रो पंप है चार्ज्ड। ये नहीं पता है इसका तीसरा पोकेमॉन कौन सा है। चलो कोई भी हो, हाइड्रो पंप तो भयंकर पड़ेगा जो भी हो चाहे। और ये था स्वैम्पर्ट। बहुत सही, हाइड्रो पंप तो आधा ले गया है स्वैम्पर्ट को। इसकी सीपी देख रहा भाई, 11,000 की तो सीपी है इसकी। और ये स्वैम्पर्ट का अटैक, और अपनी शील्ड्स तो ख़त्म हो चुकी हैं, दोनों शील्ड्स यूज़ कर चुके हैं। मडी वाटर ले गया कायोगर को। चलो अपना आखिरी पोकेमॉन मेटाग्रॉस। हालांकि ये ग्राउंड टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं और ये स्वैम्पर्ट का एक और अटैक, लेकिन इतना तो भरोसा मुझे मेटाग्रॉस झेल लेगा इसे। और फाइनली बच गया मेटाग्रॉस। और मीटियोर मैश यूज़ करते हैं हम। यार आप लोग यकीन नहीं मानोगे, पहली बार लड़ रहा हूँ मैं क्लिफ से और फाइनली हमने क्लिफ को हरा दिया यार। ए, 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 ए। जीत गए यार फाइनली। मुझे नहीं लगा था कि मतलब इतना टफ होगा यार ये। स्टार्टिंग में जो टीम रॉकेट के बंदे आते थे वो तो ज़रा ज़रा से फुद्दू से रहते थे। अब कौन सा पोकेमॉन आएगा यार, स्वैम्पर्ट आ जाए काश। बहुत शानदार लग रहा था यार वो। ये क्या मतलब ऐसी बैटल करो इनसे, इतनी मुश्किल बैटल है। 11,500 को स्वैम्पर्ट आया था और हराने पे क्या मिल रहा है ये सड़ा सा ग्राइमर। बहुत गलत है यार। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियोस देखते रहना। और आप अपनी टीम बताओ कि आपकी टीम में कौन कौन से